रूसा सिस्टम के खिलाफ हमीरपुर शहर में एसएफआई संगठन ने रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एसएफआई संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपना गुबार निकाला और चेतावनी दी कि जल्द रूसा सिस्टम की कमियों को दूर किया जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में गुड़िया हत्या प्रकरण, फीस बढ़ोतरी, स्टाफ की कमी के खिलाफ भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर एसएफआई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल मनकोटिया भी मौजूद रहे। एसएफआई के महासचिव आदेश सिंह ने बताया कि लंबे समय से एसएफआई छात्र हित के लिए आंदोलन कर रही है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि लगातार फीस बढ़ोतरी हो रही है और सरकार मुखदर्शक बनी है। एसएफआई का आज 22वां जिला सम्मेलन है, इसमें हमने रैली रखी हुई थी। जितने भी जिला के कॉलेज जहाँ जहाँ एसएफआई उनको बुलाया था, सबसे पहले मेरी हमारी जो डिमांड है कि रूसा सिस्टम को वापस किया जाए। उसके बाद है कि प्रदेश में जब देखा हो ना आपने, चाहे वो गुड़िया रेप कांड है, उसके बाद या चंबा का है, उसके बाद अगर देखा जाए तो एचपीयू में जो कि एक टीचर किस तरीके से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसके और इसके ऊपर की भारी फीस वृद्धि हो रही है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है लगातार। अगर सरकारी कॉलेज खोले जा रहे हैं तो अगर तो वो कोई पंचायत घर में है या फिर आंगनबाड़ी केंद्र में है, अगर है भी तो देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो कि अगर टीचर अगर एक फैकल्टी में 4 टीचर चाहिए वहाँ पर एक है, कहीं कहीं पर है नहीं टीचर। जिस तरीके से जो कि आज प्रदेश का जो कि शिक्षा का स्तर है वो गिरता जा रहा है, लगातार फीस बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद देखा जाए अगर प्राइवेट कॉलेजों के लिए ज़्यादा उपलब्ध दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर अगर सरकारी कॉलेज में 120 सीटें होंगी, अगर वो एचपीयू से रिलेटेड है, प्राइवेट में 150 भी हो जाएंगी, पर सरकारी कॉलेजों में वो नहीं होंगी। तो इस सभी के लिए हमारी डिमांड्स हैं, इसलिए हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एसएफआई सदस्य रेशमा भारद्वाज ने बताया कि शिक्षा के भगवाकरण और महंगी किए जाने के खिलाफ एसएफआई संगठन विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार रूसा सिस्टम को लेकर चुप है, जिससे छात्रों की परेशानियां बढ़ रही हैं। आज देखो हमारे हमीरपुर कॉलेज में रैली की गई, एक महारैली हुई जिसमें नारेबाजी हुई हमारी प्रदेश सरकार के विरुद्ध। प्रदेश सरकार के विरुद्ध हमारा रैली करने का मुद्दा था, जो हमारे शिक्षा के ऊपर आज भगवाकरण की एक नीति बनाई जा रही है, शिक्षा को महंगी कर दिया जा रहा है। हमारी जो विद्यार्थियां हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, उनको आए गए दिन समाज में जो है उनके साथ छेड़खानियां हो रही हैं, उनका हम ऐसे भाई विरोध कर रही है। विरोध करने का हमारा फिर भी हमको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, जिसके बाद हम ये चाहते हैं कि प्रदेश सरकार जो चुप्पी धामे बैठी है, चुप्पी जो बना के रखी हुई है कि हम सभी लड़की आगे समाज, अभी गुड़िया हत्याकांड हुआ, अभी तक उसमें उसको हमको न्याय नहीं मिल, उस गुड़िया को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम प्रदेश सरकार से पूरे विश्व से हम एक मांग करते हैं कि हमारा एक अच्छा समाज हो, इसलिए हम रैली करनी पड़ रही है। हमको हम मुद्दे रख रहे हैं कि जो हमारा शिक्षा है, उनको शिक्षा के ऊपर खर्चा आए गए दिन, कोई गरीब घर से आ रहा है वो पढ़ नहीं पा रहा है यहाँ, इसलिए हमारे मेन मुद्दे हैं कि शिक्षा पे जो खर्चा है उसको कम किया जाए। जो लड़कियाँ कॉलेज जा रही हैं सुरक्षित फील नहीं करती हैं क्लास में जाके, कॉलेज में जाके, इसलिए हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जो हमारा एक परिसर हो, कॉलेज परिसर हो, हमारा समाज हो, एक ऐसा समाज हो जहाँ पे लड़कियाँ आराम से आए, हर एक इंसान ऐसे आराम से रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, ये हमारे विशेष मुद्दे हैं। धन्यवाद। सम्मेलन हमीरपुर के अंदर एक रैली के तौर पर गांधी चौक पर शुरू हुआ, और जिस तरीके से एसएफआई एक वैज्ञानिक और प्रगतिशील विचारधारा छात्र संगठन है, हमेशा से छात्रों के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ता आया है, उनको एक दिशा देता आया है, लेकिन जिस तरीके के माहौल के अंदर जिला सम्मेलन यहां पर हो रहा है, हम देखते हैं कि कर्नाटक के अंदर एक महिला पत्रकार की हत्या जो है आरएसएस के गुंडों द्वारा की जाती है, और एक डर का माहौल जो है पूरे देश के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। उससे पहले भी कई प्रगतिशील विचारधारा वाले पत्रकार हैं, वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं, उनकी हत्या फांसीवादी ताकतों द्वारा की जा चुकी है, और वो पूरा डर का माहौल पूरे देश के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। और वही हम पिछले कल देखते हैं कि एक विधायक द्वारा जो है हमीरपुर थाने के अंदर एक पार्टी के कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा जाता है पुलिस की मौजूदगी में, और नदौड़ के अंदर अभी कुछ हाल ही में कुछ दिन पहले जो है विधायक द्वारा एक एसएचओ के साथ बदतमीजी, गुंडागर्दी का माहौल, बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनको स्टार छीनने की बात, सरकार आने पर उनके तबादले की बात, उनको देख लेने की बात, इस तरीके का माहौल पूरे देश के अंदर बनाया जा रहा है। और जिस सोच को लेकर जो एसएफआई काम करती है या जो जनवादी संगठन जिस तरीके से काम कर रहे हैं, प्रगतिशील संगठन जिस तरीके लेकर काम कर रहे हैं, उनको दबाने को लेकर, उनको कुचलने को लेकर ये मोदी सरकार जो है लगातार वैसी नीतियां लेकर आ रही है। हम ये समझते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो है ये जो विचार, जो ये जो प्रगतिशील और वैज्ञानिक सोच जितने भी वाले जितने भी जो संगठन है
इनको एक बैनर के तले जो है इकट्ठा होकर इन फांसीवादी ताकतों का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय अगर इसी तरीके का माहौल, एक भय का माहौल इस देश के अंदर रहा तो बहुत ही भयंकर माहौल जो है इस देश के अंदर बनेगा। और मैं ये समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर जितने भी जनवादी प्रगतिशील ताकतें हैं उनको इकट्ठा होकर जो है इसका मुकाबला करना है।